कुछ ड्रिंक्स उसने ऊपर किया, बड़ी हेल्प की। अच्छा अच्छा, आपका नाम मैं भूल गया। अभी भाई बाइक के थ्रू हम जो मेन टॉप है उस पे जाते हैं। भाई साहब मेरे साथ हैं और ये मुझे मेरे लिए काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। ये मौसम में जब से मैं जो मैन लॉन टॉप का जो मेन एरिया है, जैसे ही मैंने इसको क्रॉस किया, यकीन जानिए डायरेक्ट सडन चेंज इसमें आया है, सडन चेंज। इस जगह बिल्कुल सुनसान सी जगह है, कोई शोर नहीं है, बिल्कुल शोर नहीं है, और ये सीन्स ये बिल्कुल दिल को चू लेने वाली है। ये आप देखिए, इस साइड से आप देखिए, कहीं से आप देखते हैं ना, ये पीछे खाकोट और लोअर दिर और अपर दिर के कुछ इलाके नज़र आ रहे हैं। मेरे ख्याल में अपर दिर तो उस साइड पे है, क्योंकि वो बर्फ़ काफ़ी पड़ी हुई है। और ये दोस्त बड़ी अजीब सी बात, ये जिस जिन जिनके साथ में आया था, ये एक्चुअली ये लोग बर्फ़ को सब अपनी बोरी वगैरह में अपनी सबसे पहले बर्फ़ ले जाते हैं। और पता नहीं अजीब अनोखी सी बात मुझे पता चली कि बर्फ़ का क्या कर लेते हैं, बर्फ़ को घर में स्टोर कर लेते हैं दिन तो नहीं, कुछ घंटों के लिए, उससे अगर आप मतलब जूस वगैरह में अगर मेहमान आते हैं तो उसमें वो यूज़ करते हैं। अच्छा, कुछ दोस्त भी मुझे मिले हैं। और उर्दू आपको आती है? टूटी फूटी उर्दू आती है? ना ना, मैं उर्दू सर। उर्दू आती है आपको? टूटा फूटा आती टूटी फूटी आती पंजाब तो अक्सर कर अंदर बोल दी। तो इन्होंने मुझे ये क्या कह ले, ये कुछ ड्रिंक्स है और इसमें ये बिस्किट की ऑफ़र की। तो दीर में मैं जब से मैं आया तो ना, मैं जब दीर आया तो उससे पहले लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा बताया कि आपको दीर में और इन नॉर्दर्न एरियाज़ में एक चीज़ बड़ी मिलेगी, लोग बड़े अच्छे हैं। ये बात ठीक है ना? सही। बड़ी हॉस्पिटल है और हॉस्पिटलिटी सिर्फ यहाँ की बहुत मशहूर है, बहुत ज़्यादा। कुछ इलाके जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये कुछ तलाश के कुछ इलाके हैं। वो तिमरगरा है ना? वो तिमरगरा। अच्छा, उस साइड पे तिमरगरा है और ये हम लोग बैठे हैं। ये कुछ ड्रिंक्स उसने ऊपर किया, बड़ी हेल्प की। अच्छा अच्छा, आपका नाम मैं भूल गया। असगर। असगर और सैदुल्ला, नूरुल्ला। सैदुल्ला और नूरुल्ला। और ये बड़े फनी आदमी है, बार बार पे दो बातें बड़ी दोहराते हैं। एक बात क्या क्या, वो कौन सी बात दोहराते हैं? इंसान बहुत कीमती है, एक एक ये बात और दूसरी बात कौन सी वाली? वैसे इन इलाकों में आपको इस तरह की हॉस्पिटलिटी मिले तो क्या कहेंगे इस बात के लिए, पर इस तरह का व्यू मिले ऊपर से आप सन, और इस साइड पे आपको ग्रीनरीज मिले तो क्या कहेंगे इस बात के लिए। नीचे तिमरगरा का इलाका और इस साइड पे तिमरगरा का इलाका और यहाँ पे मर्दान वगैरह, मर्दान तो नहीं है खैर, और इलाके आते हैं। और उस साइड पे अगर आप देखें ना तो चित्राल, गिलगित सॉरी नहीं यार, पर मैं ये चित्राल और दीर साइड पे कितने बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है। एनर्जी है या नहीं है, ये इस ट्रिप में मैंने अपने अंदर एक अलग सी एनर्जी फील की है, एंड दैट इज़ रियलिटी कि मैंने फील की है वो एनर्जी, पता नहीं कहाँ से आई। लेकिन एनर्जी अगर बात करूँ मैं, तो जब मैं आ रहा था तो ऐसे ही मुझे पठान भाई मिले जिन्होंने अपने लिए, जिसमें मेरे अंदर सीरियसली एक अलग सी एनर्जी डाल दी है, ये रियलिटी है। व्यूज, कॉटेजेस, लोग, यहाँ पे घर, ये कमाल। अभी ये बारिश की सीन यार, ये रोड का ये प्रॉब्लम ये है, अभी तक रोड डेवलप नहीं, क्योंकि रोड में इतने बड़े बड़े गड्ढे आए हैं। ये देखिए, ये प्रॉब्लम्स है नॉर्दर्न एरियाज़ के साथ, बस यही प्रॉब्लम्स है। रोड्स बने
तो मज़ा। खैर एक बात और जो बड़ी मज़ेदार बात है, खैर नॉर्दर्न एरियाज़ में अगर रोड्स डिवेलप हो तो ठीक है, रोड्स फैसिलिटी आ जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ इसमें जो ट्रेकिंग का जो मज़ा है और जो एडवेंचर का मज़ा है वो ख़त्म हो जाएगा। ये बात है, ये रियलिटी है। ठीक है, आप मतलब इतनी खूबसूरती आपको मिल रही है, इतनी प्यारे से सीन्स आपको मिल रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। अच्छा टूर पे आया हूँ। अच्छा आप इन इलाकों के? अच्छा बहुत से लोग यहाँ से भागना चाहते वो बर्फ़ की वजह से। नहीं, ये क्या प्रॉब्लम क्यों है आपको? आपको ये इलाका पसंद है? हमें तो बड़े पसंद है, हमें बर्फ़ जब देखते हैं ना वीडियोस में भी देखते हैं बहुत पसंद है हमको ये। अच्छा आप इन इलाकों कहाँ पे रह, घर आप कहाँ है? नीचे गाँव पे तंगी। अच्छा उस साइड पे है तलाश अभी, ये तलाश का एरिया। अच्छा तलाश का एरिया मैंने देखा है। अच्छा अभी इस इलाके को क्या कहते हैं? ये लड़म लोग मुझे मिले ना, अभी मैं जो एक बंदे से मिला बहुत खूबसूरत, तकरीबन दो महीने पहले मैं आई थी, ये सड़क टोल बहुत बनती है। अच्छा बर्फ़ की वजह से सड़कें सारी की सारी बनती। अभी आप, मैं आपको जो सीन दिखा रहा हूँ ये कुछ बर्फ़ आपको नज़र आएगी, कुछ ना कुछ बर्फ़ यहाँ पे पड़ी है, कुछ बर्फ़ पड़ी है इधर पे। अच्छा नदी आए थे, आए बर्फ़ इस बर्फ़ के लिए। अच्छा अच्छा ख़त्म हो गई है। और ये जो आपको बाढ़ वाड़ नज़र आ रही है शायद आर्मी वालों की है? नहीं नहीं आर्मी वालों की नहीं है। अच्छा आर्मी वालों की नहीं वगैरह की है? अच्छा कोई वडेरा वगैरह की कोई ख़ास जगह है? मैं तो समझ रहा था, मैं तो ये ये भी है, वैसे मैं समझ रहा था कि आर्मी वालों की है, आर्मी वाले की नहीं थी। आर्मी वाले की वो जगह वो है, तुम नहीं चला गया मेरे ख्याल। अच्छा अच्छा उस साइड पे भी है? हाँ खतरा है, उस साइड पे आप नहीं जा सकते, मतलब अगर आप उस साइड पे जाते हैं तो ये वो रडार वाला एरिया है, अगर इस साइड पे जाते हैं इसको काट ये मेरा पता है, लेकिन अच्छा अच्छा मतलब अगर मैं जाता हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता, अगर आप जाते हैं तो इसे लोकल ही तो मतलब इसके लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो ये वो बाढ़ जो मैं समझ रहा था कि शायद आर्मी वाले की होगी, ये बाढ़ नहीं, ये किसी वडेरा वगैरह किसी बड़े आदमी की होगी। अच्छा कुछ ट्रीज़ आपको टूटे फूटे मिलेंगे, ये देखें, ये आप चेक करें, ये आपको टूटे फूटे मिलेंगे, ये है तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ने की वजह से ये टूट गए हैं, ये कुछ ट्रीज़ टूट फूट का शिकार है। और ये रोड को देख ले, जो मैं कब से मैं कह रहा हूँ, ये रोड को देख ले, इस साइड पर देख ले, ये कौन यहाँ पर आ सकता है? ये बर्फ़ आप देखिए, ये है, लेकिन ये भी गंदी हो गई है, तो इनके यूज़ क्या नहीं है, बाइक का यूज़ का नहीं है, ये आप देखें तो गंदी हो गई है ना, गंदी हो गई। अगर आप इससे ऊपर से इस ऊपर वाले को पार्ट को हटाए तो आपके यूज़ पेपर तो हो सकता है, नहीं है, नहीं है, फिर भी नहीं, नहीं। अच्छा कम बहुत ज़्यादा है, ये देखें तो है, बर्फ़ है थोड़ी फूड़ी, ये वाला उस साइड पर भी थोड़ी सी साफ है ना, ये देखें बर्फ़ भी पड़ी हुई है यहाँ पे काफ़ी है, लेकिन ये भी गंदी हो चुकी है, ये देखें सकते हैं ये जंगल है। और आप ये एक गाड़ी एक बाइक आ रही है, उस बाइक को देखें, ये आप देखें तो ये मनाजर है, कुछ कॉटेजेस और रेस्टोरेंट होटल है, चश्मा भी है उधर पे। चश्मा? अच्छा चश्मा, अच्छा इस साइड पे। मेरे मामू कहा करते हैं कि अगर आपके पास तीन चीज़ें हों तो आप जो भी करना चाहे आप कर सकते हैं, एक पानी, लाइट और किसी चीज़ के लिए रास्ता, ये तीन चीज़ें हों तो हर चीज़ का कमाल होता है। ये चश्मा देख ले, इनसे बिल्कुल प्योर पानी है, साफ, काफ़ी ठंडा है, काफ़ी ठंडा है। ये क्या हो गया, ये बर्फ़ किस तरीके से लाते हैं, क्यों लाते हैं, तो मैंने बताया भी है लेकिन उनसे भी पूछेंगे। ओह शिट शिट शिट, मेरे जूते काफ़ी फिसलन का शिकार होते हैं, ये देखें, क्योंकि सुबह सवेरे में बड़ी जल्दी में आया, मैंने नए जूते लिए थे हाइकिंग के लिए, और ये शिट, ये बर्फ़ अपने घर ले जाते हैं, इनसे पूछेंगे भी। अस्सलाम वालेकुम। अभी ये वाला एरिया साफ है ना, मैं साइड पे साफ है, चाहिए साफ है। अजी किस लिए ये ले, ये बर्फ़ मैंने बहुत ज़्यादा देखा,
सलाम अलैकुम। नहीं टूटी फूटी आप बोले जो भी, ये किस लिए ये ले जाते हैं? मतलब पसबानी घर के लिए? अच्छा घर के लिए ले जाते हैं, मतलब क्यों? ये मैंने ये सीन मैंने कभी भी कभी किसी इलाके में भी नहीं देखा। कुदरती है ये। अच्छा कोई वाली नहीं है? नहीं ये तो ठीक है, लेकिन ये तो 2-3 घंटों में ये पिघल जाएगी। नहीं नहीं जल्दी ले जाना है इसको। हाँ 2-3 घंटों में ये मेल्ट हो जाती है। तकरीबन 20-30 मिनट का रास्ता होगा। नहीं और फिर इस और इसके लिए इसके इसका क्या करते हैं आप? जूस वूस में इसमें डालते हैं? घर का घर के यूज़ में आते हैं? नहीं जी घर के यूज़ में आते हैं ना। अच्छा मतलब घर के यूज़ के लिए को इस्तेमाल करते हैं इसमें शरबत। वो बंदा जो गया ना वो उस टाइम मेरे जहाँ फ्रेंड जो मैंने आपके साथ मैंने मिलवाया बार बार कह रहा था यार कि इंसान बहुत कीमती है, इंसान बहुत कीमती है यार, बार बार कह रहा था। मैंने कहा कि यार तो मैं सोच रहा था कि क्यों ये बार बार कह रहा, बार बार किसकी आदत थी? आदत नेचर कुड नॉट बी चेंज। मतलब वो बार बार बोले जा रहा था, दो अल्फाज दो जुमले वो बार बार दोहराता था, एक इंसान बहुत कीमती है और दूसरी बार कि अल्लाह ताला ने बहुत पुरजे दिए है। तो क्या वो बोला जा रहा था मेरे साथ? अभी मुझे जाना है ऊपर की तरफ और ये रहेंगे इस साइड पे। राजी मना ना जी, थैंक यू। ये बात क्यों नहीं करता? नहीं आप उर्दू नहीं आती? एक ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी आपकी मादरी जुबान, सॉरी मादरी जुबान नहीं, आपकी कौमी जुबान आपको नहीं आती ना लगा जी? हम आपकी कौमी जुबान आपको नहीं आती? हाँ ये मसला है। हाँ ये बर्फ भी काफ़ी बर्फ है। और यार ये देख ये देख रहे हैं ये फ्रीज लेक है, छोट लेक तो नहीं कहूँगा लेकिन डंड है, लेकिन बिल्कुल फ्रीज है क्योंकि इसमें इसका ये पार्ट फ्रीज हो गया है। नहीं मेरी वीडियोस में मैंने इलेक्ट्रिक सर्कल का आर्कटिक सर्कल में मैं ये चीज़ें देखी थी कभी वीडियोस में, ये चीज़ें मतलब किस तरह एक लेक फ्रीज हो जाती है ये मैंने कभी अपनी लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था, कभी मैंने नहीं देखा था। मैंने कहा कि ये किस तरह होता है, पूरा का पूरा लेक किस तरह मतलब होता है ये देखिए। बिल्कुल 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 गिर ना जाओ यहाँ आपको आ, 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 बिल्कुल ये आप देखिए ये बिल्कुल फ्रीज हो चुका है और मेरे पैर इस तरह है, अगर गिरा तो मतलब भाई आपके चीखे मारेगा ना, ये कोई बचाने वाला नहीं आएगा। ये टूट गया इस साइड पे। चले एक काम करते हैं, वेट 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 एक बड़ी सी लकड़ी। हाँ ये हाँ ये बिल्कुल आप देखें बिल्कुल टूट रहा है यार। आपको क्या लगता है ये इसमें नहाना अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा मज़ा। मतलब जब ठंड से आप काम पर हो ना और आपकी चीखें निकल रही हो ना कि भाई बचा लो बचा लो, तो मज़ा आएगा उस पर ट्रैवलिंग का, तभी मज़ा आता है। ये मैंने जैसे बताया ना ये काफ़ी ख़राब हो चुकी है, देखिए देखिए इसको आप देखिए स्लो मोशन में